आता मात्र सीझन टूला सुरुवात झाली आहे तुम्हाला प्रत्येकी मॅच अशीच पाहायला मिळेल कारण का भिवंडीचं क्रिकेट आहे आणि नक्कीच भिवंडीचं क्रिकेट याचसाठी जाणलं जातं तो शेवटच्या चेंडूपर्यंत शेवटच्या बॉलपर्यंत शेवटच्या षटकापर्यंत ओवरपर्यंत तुम्हाला मॅच चांगल्याच पाहायला मिळतील आणि ही पहिलीच मॅच सुंदर झाली म्हणजे आजचा आपण बघतो क्लायमेट या दरम्यान ढगाळ वातावरण आहे वातावरण क्रिकेटला अनुकूल असं नाही आहे मात्र बी पी एलच्या माध्यमातून नक्कीच आपल्याला चांगला की आज देखील पाहायला मिळेल आणि आज देखील चांगल्या चांगल्या मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळतील देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको दे रहा हूँ ग्रुप ए के तमाम ओनर्स और तमाम टीमों के ओनर्स और उनके कैप्टन इस बात को सुन लें कि आज शेड्यूल ख़त्म होने के बाद आपको बी सी फोर और अल्तापाली सर से मिलना है पॉइंट जो टेबल्स है उस पर सिर्फ पॉइंट्स देखे जाएंगे जो आपको शाम में बताए जाएंगे रन रेट का कोई भी लेना देना नहीं है चलिए तो नेट रन रेट का कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन मैच जीतना बहुत जरूरी और दोनों भी टीमें एडी चोटी का जोर लगाएंगी इस मैच में इसमें कोई संदेह नहीं है टॉस जीता है इस मैच का राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और अब दोनों भी सलामी बल्लेबाज एफएस एंटरप्राइजेस की ओर से क्रीज पर पहुंचते हुए उमर खान और केतन पाटिल ये है दोनों भी सलामी बल्लेबाज उमर खान ने कल बहुत ही शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी सुबह के मैच में हालांकि स्ट्रगल किया था उन्होंने मैच फिनिश नहीं कर पाए थे लेकिन फिर रणनीति बदली गई ओपन करने आए और जो मैच वे हारे थे उसमें वो मेरे ख्याल से सातवें नंबर पर आए थे लेकिन जब ओपन करने आए तो बहुत ही शानदार बैटिंग की उन्होंने केतन पाटिल ने भी अच्छी शुरुआत दी थी तो ये एक अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनको मिला है कप्तान से भी ये सवाल टॉस में किया गया था उनका भी मानना है कि यह बहुत अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन है उनके लिए देखना है इस मैच में किस तरह की शुरुआत कर पाते हैं और मैच की पहली गेंद आइकॉन बनाम आइकॉन एक तरफ उमर खान तो गेंदबाजी के लिए कामरान खान कुल मिलाकर बीपीएल सीजन टू का ये बारवा मैच खेल की शुरुआत पहली गेंद कदमो इस्तेमाल निकल के मारा है लेकिन गॅप नाही ढूंढ पाए ओ यहाँ पर ये मामला नजदीकी नजर आ रहा है जी हां तिसरे अंपायर की तरफ रुख ऑन ऑनफिल अंपायर शानू कुरेशी सनसनी खेळ सुरुवात राहुल पहिलाच चेंडू पासून बघतो आपण या दरम्यान जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतो डायरेक्ट हिट या दरम्यान करण्याचा प्रयत्न तर होता आणि तिसऱ्या दरम्यान मदत घेतली गेली, -गेली आहे चांगली आपल्याला ही मॅच पाहायला मिळेल सुरुवातीचा पहिलाच चेंडू आणि अदरमान पहिलाच बॉलसाठी अंपायर माध्यमातून तिसऱ्या अंपायरची मदत घेतली गेली आहे आणि प्रिन्स मूवी आहे आणि कीच तुम्हाला नक्कीच चांगले डिसिजन येतील यामध्ये शंका नाही या टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल एस बी पी एल सीजन टू मे जसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है देखना है की तिसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है दोनों भी टीमों के खिलाडियों की धडकने इस समय तेज हुई होंगी आणि पहिलाच चेंडूवरती या दरम्यान तिसऱ्या अंपारशी मदत घेतली या हा बी पी एल आहे इथे प्रत्येकी चेंडू तुम्हाला मदत चांगलाच पाहायला मिळेल आणि प्रत्येकी वेळेस नक्कीच तुम्हाला नक्कीच चांगला क्रिकेट जेव्हा जेव्हा नक्कीच मॅचेस होतील तेव्हा तेव्हा पाहायला मिळतात कारण का बीपीएलचं आयोजन प्रत्येक वर्षामध्ये आपण बघतो एक नवीन संकल्पना अल्तापजी बालेसच्या माध्यमात आपल्याला प्रत्येक वर्षामध्ये अजय सर पाहायला मिळते आणि यस आता अंपा डिसिजन असा आलाय या दरम्यान फलंदाज रनआउटच्या माध्यमातून बाद आहेत बहुत बड़ी गलती है कहीं जा सकती है पहली गेंद थी मैच की सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे हालांकि टाइमिंग बहुत बढ़िया थी लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए थे एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे जावेद फारूकी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और सटीक थ्रो उनका थोड़े से दूर रह गए अपने क्रीज से वहां पर सिंगल लेते हुए उमर खान आईकॉन प्लेयर पहली गेंद पर रनआउट उमर खान लाई तो अपेषो दरम्यान ही विकेट येते आणि रनआउटची विकेट म्हणजे खराब सुरुवात आपल्याला मी ते सहा ओव्हरची मॅच आहे मैदानात शोधून एक थांबून खेळ करणं गरजेचं आहे पहिल्या मॅचमध्ये बघितलं पण सेव्हन्टी नाईन गरज झाल्या हो होत्या त्या अनुषंगाने ह्या देखील मॅचमध्ये धावा होतीलच मात्र उमर खान मैदानाच्या बाहेर स्वास्थ्यामध्ये आता मात्र परतला आज मौसम ने कुछ ज़्यादा ही करवट ली है हालांकि पहले ही दिन से थोड़े बहुत बादल आसमान में नज़र आ रहे थे लेकिन आज बादलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ी गहराते हुए ये बादल नज़र आ रहे हैं आसमान में हवाएं तेज़ बह रही है मैदान के ऊपर से मध्यम मध्यम रोशनी है इस समय ऐतिहासिक परशुराम टावरी स्टेडियम में जहां पर ये बीपीएल का दूसरा संस्करण खेला जा रहा है नए बैट्समैन बायात के खिलाड़ी हमाद अंसारी क्रीज पर आए हैं टॉस सहारने के बाद पहले बैटिंग करने पर मजबूर है इस समय एफ एस एंटरप्राइजेस अच्छी गेंद थी ये स्टम्प्स पर रखी हुई गेंद कलाइयों का उपयोग करते हुए मोड़ा है ऑन साइड में सिंगल लेते हुए केतन पाटिल केतन को

इम्तियाज पापा का शुभ आगमन हुआ है आपका हार्दिक स्वागत निकल के मारा सीधे फील्डर के गोदी में पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी थी लेकिन दूसरे प्रयास में कैच लपका है एक्स्ट्रा कवर पर आतिश घोडबिन देने एक और विकेट का पतन सुपर सुपर फील्डिंग एक्शन रिप्लाई बढ़ू शल टेलिविजन सेट वरती दरमियान स्लिप आउट होते इनफील्डला मात्र बेधून हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र अतिश घोडविंदेचा आपल्याला मात्र सुंदर फिल्डिंग पाला मी दिया सेकंड अटेम्प्ट मध्ये हा झेल पकडला गेला आणि हा दुसरा दका मैदान बघतो आपण एफएस एंटरप्राइजेसच्या टीमला सुपर गोलंदाजी फुल ब्लेडेड स्ट्रोक था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए सीधे फील्डर की तरफ खेल बैठा था बैठे थे वहां पर हमदान अंसारी ऑन द राइज हालांकि खेला था आगे निकले जरूर थे लेकिन गैप ढूंढना बहुत जरूरी था हमद ने भी निराश किया आतिश गोटविंदे ने मानो वहां पर कहा गेंद को कि सीने से लगा लूंगा लेकिन जाने नहीं दूंगा सीने पर टकराई थी पहले गेंद लेकिन दूसरे प्रयास में कैच लपका उन्होंने शानदार शुरुआत यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स की नए बैटर नंबर चार पर अनुभवी बल्लेबाज दीपक मडवी पहला ही ओवर है मैच का और निराशाजनक शुरुआत ये देखने को मिल रही है एफएस एंटरप्राइजेस की ओर से दीपक के लिए ऑफ साइड में पांच खिलाड़ी सभी रिंग के अंदर नज़र आ रहे हैं ऑन साइड में एक मिडॉन स्ट्रेटिश मिडॉन है एक वाइडिश मिड विकेट है दो खिलाड़ी बाउंड्री पर और यह गेंद थोड़ी धीमी थी और उछाल थोड़ा कम था शॉर्ट आम पुल करना चाहते थे लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए वहाँ पर दीपक मडवी पहाला मी तर मैदाना चौक मध्ये आपण बोलतो गरत विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली सती गोलंदाजी मी दिया आणि विकेट देखील मातीची विकेट आणि त्याच्यावरती आता मात्र चांगली गोलंदाजी नक्कीच पाहायला कामनाच्या माध्यमातून सुपअप हर मॅच उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे ये हालांकि दीपक मडवी का मनपसंदीदा स्ट्रोक है लेकिन बात बनी नहीं गेंद तेज निकल गई थोडी नीची रहती हुई गेंद थी और कामरान खान की गेंदें ज्यादा नीचे रही है इस पूरे टूर्नामेंट मेंुलंदाजी इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन फिर से चूक गए एक और खूबसूरत गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न होती हुई गेंद उंगलियां फेरी गई थी इस बार गेंद पर एक और शानदार गेंद और इसके साथ ही ये शानदार ओवर समाप्त होता हुआ कामरान खान का पहले ओवर के बाद स्कोर है केवल एक रन दो विकेटों के नुकसान पर खराब सुरुवात खराब सुरुवात मैदानात मध्ये बघतो आपण इंटरप्राइझ टीम च्या माध्यमातून राजस्थान रॉयल टीमच्या माध्यमातून चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो खास करून पहिली जी नक्कीच दरम्यान जी ओव्हर होती, होती। वीकेट तो वीकेट वाए 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 ती खूप महत्त्वाची होती आणि पहिल्या षटक्यामध्ये कमरांना बघतो आपण विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली दोन महत्त्वाचे खेळू आतापर्यंत बाद झालेत इथं भागीदारीची गरज आहे वेळ कमी खर्च करावा कारण का आजचा देखील बरोबर नाही आहे त्या अनुषंगानं फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला विनंती आहे की आपण जास्त वेळ घेऊ नका ज्या अनुषंगानं नक्कीच तुम्हाला जो वेळ दिला आहे त्या वेळेवरती मॅच कम्प्लीट होणं गरजेचं आहे कारण का डिसिप्लिनसाठी बी पी एल या दरम्यान जाणली जाते आणि सीझन टूमध्ये आपण आहोत आणि बालीसरांचा आयोजन म्हणजे तिथे तुम्हाला डिसिप्लिन वेळेवरती सामने खेळवणं खूप गरजेचं आहे और बी सीजन टू के माध्यम से हम सभी सपोर्टर्स और स्पॉन्सर्स को थैंक्स कहना चाहेंगे सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स फुल टॉस ट्वेंटी फोर कैरेट बॉल्स एवन चिकन सेंटर साथ में एक्रेलिक आर टू ओ टू लाइव और धनेश स्पोर्ट्स और साथ में हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं शुमाइल सुसे का चाय पान की व्यवस्था उनकी ओर से की गई है चलते फिर से खेल की तरफ नया और लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए वैभव माली मैन फ्रॉम मानकोली और ये खिलाड़ी युवा खिलाड़ी है लेकिन काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं इस सीज़न में हमारे बीच जनाब कयाम शेख साहब का शुभ आगमन हुआ है और उनके साथ जनाब अबरार भाई फ्रूट वाला इनका भी आगमन हुआ है दोनों मेहमानों का हार्दिक स्वागत बीपीएल सीजन टू में वैभव ने कल एक मैच में छः विकेट्स चटकाए थे आगे निकले जरूर थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए केतन बल्ले का मोटा सिरा लगा है इससे पहले कि फील्ड किया जाता वहां पर शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी द्वारा एक रन लेने का अवसर सिंगल डबल धाव देखील अजय करत खूप महत्वाची राहणार आहे कारण का पहिल्या नाहीये पहिल्या मॅच मध्ये बघितला पण धावा झाल्या धावा आहेत क्लायमेंटरी बरोबर नसला तरी देखील बीपीएल आहे धावा होत आहेत धावा बनवावा लागतील त्या अनुषंगानं खेळ करावा लागेल मैदानाच्या औसतन स्कोर की हम बात करी ना राहुल बाहुल बारवा मुकाबला अभि पहले ग्यारा मॅचेस मे सत्तर पचहत्तर का औसतन स्कोर रहा बेहतरीन गेंद बल्ले का बाहेर किनारा और एक विकेट कॅच विकेटकीपर केली दीपक मडवी काम तमाम होता हुआ जी कालच्या दिवसामध्ये जशी गोलंदाजी झाली होती तशीच आपल्याला गोलंदाजी आज देखील वैभव मलीची पाहायला मिळते विकेट टू विकेट गोलंदाजी करतोय मैदानाच्या आतमध्ये हा तुम्हाला ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळेल थोडेसे स्टेप आउट झाले फलंदाज शिंडोने बाटचा नक्कीच संपर्क झाला आणि दीपू माई यष्टांच्या मागे आहेत सुरेख झेल आणि अजून एक फलंदाज पेल मैदानाच्या आतमध्ये दीपक पडवी बाक टू द पविलियन एक और बॅट्समन जो खाता नहीं खोल पाए तीन बल्लेबाज आउट वे हैं तीनों बी शून्य पर उमर खान रन आउट का शिकार बने पहली गेंद पर जे की सिंगल लेना चाहते थे जावेद फारूकी का वो सटीक थ्रो था उसके बाद हम्माद अंसारी एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट आग हुए ऑन द राइस स्ट्रोक खेला था उन्होंने आगे निकलकर आतिश गोडविंदे ने उनको कैच किया वो भी खाता नहीं खोल पाए और दीपक मढ़वी भी खाता नहीं खोल पाए चार गेंदों का सामना किया दीपक मडवी ने और स्थिति बहुत ही नाजुक है मैच के शुरुआती पल में एफ एस की दो रन तीन विकटों के नुकसान पर नाही ना इतना भागीदारीची गरज आहे आतापर्यंत आपण बघतो संघ पूर्णपणे बागफुटला आहे सलामी विरांना अपयश आलं त्याच्यानंतर बघतो आपण मिलॉड देखील फलंदाजे त्यांना देखील अपयश आलं आता मध्ये इतना एक भागीदारी खूप गरजेचं आहे मैदानाच्या बेस्ट एंटरप्राइझेस एंटरप्राइजेस टीमला या मॅच मध्ये को स्थिरता देण्याची आवश्यकता आहे टिकना होगा विकेट पर बल्लेबाजों को अभी भी बहुत समय पडा है इस ओवर के बाद भी और चार ओवर्स का खेल बचा हुआ है विकेट्स यदि हाथ में रहेंगे तो आखिर के दो ओवर्स में भी तेज़ी से रन्स बनाए जा सकते हैं लेकिन फिलहाल एक अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत है नए बैट्समैन माजिद बोबड़े कप्तान आए हैं और आते ही पुल करने का प्रयास था थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद वैभव की बॉलिंग की खासियत है कि जब भी वो आगे रखते हैं तो थोड़ा लेट मूवमेंट भी प्राप्त करते हैं लेकिन गेंदों की लेंथ में भी अच्छा परिवर्तन करते हैं विकेट भी थोड़ा साथ दे रहा है बॉलर्स को आज के कंडीशन भी बॉलर्स के मुफीद नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा

पहली गेंद पर चूक गए थे लेकिन दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोल दिया है कप्तान बोबड़े ने एक कप्तानी पारी की उम्मीद उनसे जरूर की जा सकती है स्कोर आठ रन तीन विकेटों के नुकसान पर इसके बाद आज का तीसरा मैच एक और बड़ा मुकाबला बीपीएल सीजन टू में देखना मत भूलिएगा बालाजी ग्लोबस बनाम सोना देवी विहान मित कुमार टेमगर हर एक मैच की अपनी अलग से अहमियत है इस बी पी एल में और इस बार आगे रखी हुई गेंद थी फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे मिस फेल शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद रख रही है बाउंड्री की तरफ पंकज द्वारा थोड़ी सी गलती हुई उसका फायदा उठाया गया है लेक बाई का इशारा अंपायर द्वारा एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ नौ रन तीन विकेटों के नुकसान पर ना सिंगल डबल धाव देखील अजय सर आता मात्र खूप महत्वाचे आहे धावा येणं गरजेचं आहे आणि आता मात्र तो प्रयत्न सुरू झाला खराब फिल्डिंग झाली एक धाव येत एक्स्ट्रा आली आणि संघाचे धाव संख्या एक न जाते पुढे धावपालक आपल्याला पाहायला मिळते एकूण नवव्या धावपालकावरती जी हाँ सिंगल डबल्स लेते रहने होंगे जब बड़े स्ट्रोक्स नहीं आते हैं खासतौर पर हमने देखा दीपक मडवी जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी शायद उस बात को समझ नहीं पाए तीन डॉट गेंदे खेल चुके थे और फिर चौथी गेंद पर जिस पर वो आउट हुए आगे निकलकर ड्राइव लगाने का प्रयास किया था उन्होंने लेकिन बात बनी नहीं बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और कॉट बिहाइंड आउट हुए केतन अभी भी डटे हुए हैं क्रीज़ पर हालांकि दो ही गेंदें खेली है दो पर बैटिंग करते हुए अभी भी दो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं क्रीज़ पर और uh, यदि ये दो बल्लेबाज uh, कुछ देर के लिए क्रीज़ पर टिकते हैं तो ज़रूर uh, अच्छी वापसी देखने को मिल सकती है एफएस एंटरप्राइजेस की इस मैच में वैभव लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बढ़िया गेंदे इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए ग्लांस किया है वहां पर शॉर्ट लेग की तरफ सिंगल खूप चांगला क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो केतन पालीच्या माध्यमातून ऑलरेडी आपण तीन विकेट गमावल्या आहेत अजून याच्यानंतर चार षटका दरम्यान बाकी धावसंख्या आपल्याला दहा वरती पाहायला मिळते जरी दहा धावा पहिल्या दोन ओव्हरमध्ये आल्या असतील आपण बघतो पाचशे सरासरी षटका मागे आहे अजूनही बघतो आपण चार ओवरचा खेळ तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मग अशा गरज की इतका धावा बनवू शकतात मग तो विकेटवरती थांबणं गरजेचं आहे आणि आता मग तो प्रयत्न आपल्याला मैदानाच्या 18 टीमें जो बीपीएल में टू मे है जॉली स्पोर्ट्स कामतघर आर के फ्री हिट एंड एम जे स्पोर्ट्स चैलेंज स्पोर्ट्स एफ एस एंटरप्राइजेस आर डी ट्रिपल फोर जीरो ओवली मैगी इलेवन एस के एंटरप्राइजेस जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है देवा बॉयज़ भादवड़ साथ में आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव द लाइन्स ऑफ देवा बालाजी ग्लोबल्स राजस्थान रॉयल्स रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स साथ जागृत मराठा राणाल्ड गाँव देवी थ्री स्टार्स मायरा स्पोर्ट्स सोना देवी बिहान मित कुमार घर और एन के स्पोर्ट्स खांडवल इन सभी टीमों के जो ओनर्स हैं उनको हम विशेष थैंक्स कहते हैं बी पी एल सीजन टू के माध्यम से क्योंकि ये ओनर्स जो है इनके बिना ये बी पी एल होना नामुमकिन था और देखिए राहुल पिछले सीजन में 12 टीमें थी इस सीज़न में 18 बनी है हो सकता है कि आने वाले सीजन में और ज़्यादा टीमें हमें देखने को मिले मिलू सकता आयोजन मे प्रत्येका खेला बोलू सका स्क्रीन मैच कामरा ना आक्रमण जारी रखते हुए अभी तक थोड़ा संयम देखने को मिला है केतन पाटिल द्वारा लेकिन फिर वो सवाल भी उत्पन्न हो जाता है कि कितनी देर तक शांत बैठेंगे आप क्योंकि मैच तो ओवर्स का है रन्स भी तो तेजी से बनाने होंगे चांगली आतापर्यंत आपण गोलंदाजी बघितली कामरांना नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये देखील तशीच गोलंदाजी रणनीती आता देखील साफ आहे जास्त वेगानं चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न नाहीये विकेट टू विकेट गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न या देखील षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो इस बार ज्यादा बाहर रखा था वाइट का इशारा अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ता वा स्कोर अब केवल 11 रन तीन विकेटों के नुकसान पर पहला विकेट शून्य पर गिरा दूसरा एक पर तीसरा दो पर पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई पारी नजर आई है उसको संभालने का प्रयास यहाँ पर करना होगा माजिद बोबडे और केतन पाटिल को इस बार ड्राइव किया है टाइमिंग बढ़िया है वी में खेला है लॉन्गॉन के खिलाड़ी गेंद पर आएंगे जावेद है वहाँ पर एक ही रन लेने का अवसर स्ट्राइक रोटेशन बहुत महत्वपूर्ण तो है बड़े बड़े हिट्स तो आपको लगाने हैं बीच बीच में लेकिन हर गेंद पर जब आप बड़ा हिट लगाने की कोशिश करते हो तो उसमें ज़्यादा विकेट्स गिरने की संभावना होती है लेकिन जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हो तो बॉलर के लिए भी उतना आसान बनता नहीं है क्योंकि अलग अलग बैट्समैन उनके सामने आता रहता है एक ही बॅट्समन जब सामने रहता है तो शायद उसका सेटअप करना भी एक अच्छी बात रहती है बॉलर के लिए उसके लिए उसके आसान हो जाता है ना स्ट्राइक रोटेट प्रत्येकी चेंडूवर्ती झाली तर लेफ्टी राईट ही कॉम्बिनेशन अगर आणि त्यानुषंगाने गोलंदाजाला देखील रणनीती वेगळी करावी लागते त्यासाठी प्रत्येकी चेंडूवर्ती तुमची लिमिटेड ओव्हर मध्ये स्ट्राइक रोटेशन खूप गरजेच आहे धावा धापालकावरती येतील देखील आणि पुन्हा एकदा रणनीती प्रत्येकी वेळेस वेगळी गोलंदाजाला करावी लागते के बॅट्समन स्ट्राइक पर है। निकल कर मारा है इस बार रूम बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट की दिशा में लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर हालांकि थ्रो उतना सटीक नहीं है लेकिन बैकअप करने के लिए खिलाड़ी मौजूद है वही माली दो रन इसी बीच पूरे अच्छा स्ट्रोक था इस बार आपने आपको थोड़ा रूम दिया था वहाँ पर लेक्सटम के बाहर जाकर ऑन द राइज खेला था स्क ऑफ द विकेट इन साइड आउटो फटका चली गोलंदाजी कामरा कहीं खेड़ ने मैदान छत मेन खेला फटके खेव शक्त मत गोलंदाजी विकेट टू विकेट होती है इस बार शायद यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन दिशा से भटक गए ये देखिए ये होता है जब राइट लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होता है स्ट्राइक रोटेट होती है तो थोड़ा मुश्किल बनता ही है भले ही गेंदबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो कामरान खान किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है आई भी खेल चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए और यहाँ पर भी राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेलते हुए बी में बहुत अच्छी गेंद थी ये बहुत ख़तरनाक गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और बाल बाल बच गए बैट्समैन काय काय चेंडू होता की तुम्ही रिप्ले बघू शकाल काय गोलंदाजी आपल्याला पाहायला जबरदस्त गोलंदाजी ऐकून प्लेअर आहे आणि आता माझं जिम्मेदारी मैदानाच्या आपल्याला गोलंदाजी भन्नाट वेगानं आणि खूप चांगली आणि सुंदर गोलंदाजी मैदानाच्या सूर्य आहे ताली आहे आणखीच गोलंदाजाकडे बहुत ही घातक स्पेल ये कामरान खान का चल रहा है अभी तक उन्होंने सिर्फ छः रन खर्च किए हैं उनका दुसरा ओव्हर है टीम का स्कोर पंधरा रन तीन विकेटो के नुकसान पर इस बार भी देखिए इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल था ऑफ द हिप्स खेला है टर्न किया है शॉर्ट वाइटिश फाइनल की तरफ सिंगल लेते हुए माजिद बोबड़े ये ट्रिकी पीरियड है ये कठिन परिस्थिति है इस समय कठिन समय चल रहा है बल्लेबाजों का टेस्टिंग पीरियड है मेरे ख्याल से इन दोनों का ये ओवर खासतौर पर इसको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश यहाँ पर करनी होगी बल्लेबाजों को तो प्रयत्न सुरू शुरू सिंगल डबल इतना फटके प्रयत्न सिंगल डबल ने मात्र हा शटक संपूर्ण प्रयत्न सब यह मैच मधा अपने स्पेल के आखिरी गेंद लेकर कामरान इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास लेकिन गेंद में मूवमेंट था टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद बीट हुए बैट्समैन डॉट गेंद और इसके साथ ही कामरान खान का शानदार स्पेल समाप्त हुआ दो ओवर में सात रन देकर एक विकेट और पादी पारी के आधे ओवर्स भी आधे ओवर्स भी समाप्त हो चुके हैं स्कोर केवल सोलह रन तीन विकेटों के नुकसान पर एफ एंटरप्राइजेस टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध चांगली अप्रतिम गोलंदाजी दरम्यान आपल्याला पाहायला मैदानाच्या पहिल्या स्पेलमध्ये नक्कीच कामरांना इम्प्रेस केलं आणि पहिल्या षटकामध्ये एकूण बघतो आपण फक्त फक्त आणि फक्त एकच जाव त्यांनी खर्च केली एक विकेट देखील आला होता नक्कीच सेकंड रोड मध्ये बघितलं आपण वैभव मध्ये देखील केल इम्प्रेस केलं त्यांनी एकूण धावा खर्च केल्या नऊ एक विकेट त्यांनी देखील घेतली कामरानं के पुन्हा एकदा आता सेकंड स्पेलमध्ये इम्प्रेस केलं दरम्यान साहेबांना मला सांगतात की त्यांनी फक्त आणि फक्त एकूण चारच धावा खर्च केल्या म्हणजे एकूण आतापर्यंत तीन षटकं संपलेत आणि तीन षटकांच्या अखेरीज संघाची धाव संख्या अपने पहाय मिलते स्कोर बोर्ड एक सोलह आकड़ा वरती अपने धाव पलक पहाय मिलते हैं डीन्स ब्रेक है ड्रिंक्स ब्रेक है और ये ब्रेक बल्लेबाजों के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी मेरे ख्याल से क्योंकि अभी तक बल्लेबाज उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं केतन पाटिल और उमर खान आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए पहली गेंद पर जिस तरह से शुरुआत हुई और वो जो बड़ा धक्का लगा उमर खान के रूप में रनआउट के जरिए वो आउट हुए उस सदमे में से कहीं ना कहीं अभी तक उभर नहीं पाई है एफ एस एंटरप्राइजेस अभी भी तीन ओवर्स का खेल बचा हुआ है एक रणनीति बनानी होगी दोबारा दोनों बल्लेबाजों को दोनों भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है केतन पाटिल और माजिद बोबडे जो कभी भी पलटवार कर सकते हैं और ये जो सपोर्टर्स है स्पॉन्सर्स है उनको हम ज़रूर थैंक्स कहना चाहेंगे सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स फुल टॉस एवन चिकन सेंटर एक्रेलिक आर टू पल्लन भाई ओ टू और धनेश स्पोर्ट्स सर्व जे आहे सर्वांचा आपण मनापासून आभार व्यक्त करू सर्वांचा सहकार्य दरम्यान आपण बघतोय बी पी एल सीजन टू ला माझा सुरुवात झाली आज आपण तिसऱ्या दिवसामध्ये आहोत सुंदर या स्पर्धेचं आपल्याला आयोजन पाहायला मिळतो आणि सुंदरी क्रीडा नागरी आपल्याला पाहायला मिळते

और एक सफलता भी प्राप्त की थी आज चौथा ओवर उनको मिला है तो कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ है उनका षटक 14 आक्रमण करण्याचा प्रयत्न फटका चांगला ऑन तिथे मात्र फिल्डर्स क्वार्लॅक मध्ये उपस्थित आहेत चांगले फील्डिंग आपल्याला पाहला मिळते आणि चेंडू सुरून फेक करेपर्यंत धाव दा। फक्त मीत एक एका धावेच्या मदतीने धाव संख्या मात्र 17 लॉस ऑफ थ्री

कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना काही ऊपर नजर आ रहा है कप्तान भी ज्यादा भरोसा उन पर जता रहे है पुढचा चेंडू माजिद बोबडे चांगला चेंडू अजून एक आपल्याला पाहायला मिळतो फुलरलेनचा बॉटेमनचा सुंदर वापर तेवढीच चांगली फिल्डिंग देखील आपल्याला पाहायला मिळते आउटफिल्ड मध्ये सुंदर फिल्डिंग पाहायला मिळतो विकेट टू विकेट गोलंदाजी वैभवचं नक्कीच तुम्ही उल्लेख केला वैभव आणि पंकज दोन्ही नक्कीच यंगस्टर आहेत रायझिंग स्टार आहेत आणि मात्र नक्कीच आता मात्र राजस्थान लॉयन्स टीमनं

चेंडू माता आउटफिल्ड मध्ये करा फिल्डिंग आताला पाहायला मिळते या वन टू का फोर जिथे मात्र एकच धाव होऊ शकली असती तिथे मात्र मिळत आहेत या चार, दावा। चार दावा या बसुन होती। जा धावा नशीब अशा चार धावा या दरम्यान भरपूर वेळापासून रनबंदी जी होती ज्या धावा येत नव्हत्या आता मात्र नक्कीच धावा या चौकारानं पुढे जातील थोडा प्रेशर जरूर रिलीज हुआ होगा बल्लेबाजू के ऊपर से इस चौकी की बदौलत साधारण सा क्षेत्र वहां पर आतिश गोडविंदे द्वारा एक रन जहां पर होना चाहिए था वहां पर चौका मिला है ये लो फुल टॉस गेंद थी जिसको ड्राइव किया था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में डीप में वहां पर फंबल हुआ द विकेट ना खूब एक मोमेंट आता मात्र हा बीपीएल लाकार और ये मोमेंटम बरकरार रखना जरूरी होगा चौके के बाद ये सिक्सर निकलता हुआ पिछली दो गेंदों पर दस रन आए हैं और ये ओवर प्रोडक्टिव साबित होता हुआ बैटिंग करने वाली एफएस एंटरप्राइजेस के लिए सफल करते हुए खेला था बहुत बढ़िया संपर्क और बल्ले के बीच में बैकउट ऑफ द शानदार छक्का इस मैच का पार्टनरशिप खूब गरजे होती आता मतलब अच्छे घर पहाती है सुंदर इनिंग मात्र हि छोटी मात्र हि खूब महत्वपूर्ण है संघा धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 29 एक उनतीस सत्ताईस रनों की साझेदारी हो चुकी है और अब थोड़ी दिक्कत आहे राजस्थान रॉयल्स की कैप्टन की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है ओवर द विकेट न पंकज चांगला चेंडूबा है हा व्हाईट शुआर कर होता तेवढा चांगला फटका देखील ऑन ड्राईव्ह साथ इथे फील्डिंग देखील तेवढी चांगली झाली चेंडू शिवसून फेक करेपर्यंत इथं दा एक धाव मिळते आणि एका धाव्याच्या मदतीनं संघाचे धाव संघ ऐकून आपल्याला पाहायला मिळते तीस दरमान स्कोर पावर प्ले का जो खेल था वो पूरी तरह से बॉलर्स के पक्ष में रहा और पावर प्ले के बाद भी कामरान खान का ओवर तो लाजवाब था उनका स्पेल बहुत ही खूबसूरत रहा लेकिन अब पलटवार करना शुरू कर दिया है खासतौर तो पर केतन पाटिल ने मस्जिद भी एक छक्का जड़ चुके हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर पनपती हुई बीच मैदान में चौथे विकेट के लिए एफ एस एंटरप्राइजेस की ओर से चार ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है तीस रन तीन विकेटों के नुकसान पर दो पर तीन इस तरह की नाजुक स्थिति थी उसको देखते हुए तो ये बहुत ही अच्छी वापसी कही जा सकती है एफएस एंटरप्राइजेस की अब दो और ओवर्स का खेल बचा हुआ है बारह गेंदे हैं बारह गेंदों में क्या चार पांच बड़े हिट्स लगा सकते हैं ये दो बल्लेबाज काबिलियत तो पूरी है लेकिन काबिलियत के अनुसार क्या प्रदर्शन कर पाएंगे इस पर सभी की निगाहें होंगी प्रयत्न तो माता नक्की हेलो हेलो ना प्रेतना करावे मैच है कारण का अजूनही दोन षटक बाकी आहेत चार षटकांचा केस संपला संघाच्या सहा षटकांची ही टॉस साठी या दरम्यान यायचा आहे दोन्ही टीमच्या कॅप्टन ना बालाजी गोबल सोना टीम चे कॅप्टन आणि सोनादेवी विहान मितकुमार टीम चे कॅप्टन आपण टॉससाठी लगेच आमच्या टॉस बॉक्समध्ये आपल्याला रिपोर्ट करायचा आहे केतन पाटील सोलापर बॅटिंग करते ग्यारह पर खेल रहे हैं माजिद बोबड़े और समय का ख्याल रखना होगा फील्डिंग करने वाली टीम के कैप्टन को और खुद कप्तान अब गेंदबाजी के लिए आते हुए मोमिन हालांकि पहले तीनों मैचेस में उन्होंने शुरुआत की थी गेंदबाजी की लेकिन आज एक अलग रणनीति है गेंदबाजों के क्रम चेंज कर दिए गए है और पांचवें ओवर में आए हैं कप्तान उजेर उठा तो क्या चिंडूला वाईट जिवारकर सुरुवात्या दरम्यान आपल्याला चांगली पालमध्ये टीमच्या कॅप्टन उजेऱ्या षटकामध्ये आहेत अंपायर शानू सरांचा आपल्यापर्यंत बाईस चालला आहे सिंगलच्या मदतीने संघाची धाव संख्या थर्टी वन सेट बल्लेबाजो का आखिर तक खेलना बहुत जरूरी अतिरिक्त रन छे अभी तक इस पारी में देखने को मिले है आतापर्यंत सहा धावा नक्कीच एक्स्ट्रा खर्च गेलात या इनिंग मध्ये संघाचे कोण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती एकतीस धावाने आतापर्यंत अकरा बॉलमध्ये सोळा धावा बनवल्या माझी बोबडे आठ बॉलमध्ये अकरा धावा बनवल्यात उजरचा एकतीस धावा स्कोर बोर्ड वरती येत अकरा सात पूर्णांक चव्वेचाळीसचा आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये साकिंग बोबडे गती कमी केले चेंडू खाली राहिला कीपर भीट झाले सुंदर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते काय चेंडू आपल्याला पाहायला भेटला गोलंदाज षटकामध्ये भरपूर कार्य लागला कीपर देखील बीट झाले सांगतात दीपेश नक्कीच तुम्हाला ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळेल हा चेंडू भरपूर भरपूर गाली होता फलंदाज देखील बीट झाले आणि कीपर देखील बीट झाले मात्र शॉर्टच्या दिशेने प्रोटेक्शन होत तिथे चांगली फिल्डिंग एक अजून दहावीत मिळेल आणि एका दहावीच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या या दरम्यान एक न पुढे जाते संघाचे संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते इसके आकड्यावरती जो बल्लेबाज आने वाले उसमें भावेश चौधरी का आना बाकी है जो की काही ना काही अच्छे टच मे न बी के इस दूसरे सीज़न में साथ में आकाश वारघडी भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं तो द विकेट केतन पाली साठी यावेळेस हा फटका हवेत आहे उंच गेला चेंडू भरपूर उंच आहे झेल खाली आहे तिथे फिल्डर चूक होणार नाही जावेदच्या माध्यमातून चांगली फिल्डिंग पाहायला मी अजून एक धक्का लागतोय त्यापैकी सेंटर पाहिजे सीम लाय मैदानाच्या आतमध्ये केतन पाटील बॅक टू द पविलियन बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी स्ट्रोक में ऑन द राइज़ खेला गया था ये स्ट्रोक गेंद इनके पिच तक नहीं थे बल्लेबाज और पूरी तरह से मेडल भी नहीं कर पाए थे ऊँचा ही ज़्यादा दूरी कम और एक बहुत ही अच्छा कैच वहाँ पर जावेद फारूकी द्वारा अच्छी फील्डिंग करते हुए जावेद रनआउट जो किया गया था उसमें भी उनका बड़ा हाथ था उमर खान का विकेट उन्होंने ही अपनी टीम को दिलाया था और एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर जरूर देखने को मिली लेकिन गलत समय पर आउट हुए हैं केतन पाटिल केतन ने बनाए सोलह रन टीम का स्कोर है बत्तीस चार विकेटों के नुकसान पर नाही डेफिनेटली या सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आता मात्र मैदानात छतमध्ये घेताना राहणं गरजेचं होतं कारण का पूर्णपणे सेट झाला होता चांगली तो बॅटिंग करत होता आपल्या टीमसाठी त्यांनी की चक्राबलमध्ये सोळा दावा आपल्या टीमसाठी बनवल्या एकूण संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला माहिती बत्तीस वरती आता नक्की चार संपलेली आहेत आणि पाचव्या षटकाला सुरुवात झाली आहे त्यामधील तीन चेंडू देखील आतापर्यंत सुंदर टाकून झाले चांगली गोलंदाजी टीमच्या कॅप्टनच्या माध्यमातून साकिंगला माजीद बोंबडे रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न दरम्यान संपर्क कदाचित झाला नसावाचा या दरम्यान इशारा आपल्यापर्यंत आता आला की लिंक पाय ची दाव आहे आणि सिंगलच्या मदतीने संघाची दाव संख्या एक न जाते पुणे एकूण तेहतीस दहावा स्कोर बरोबरती भावेश चौधरी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलेत भावेश लंबे हिट्स लगाने मी माहीर आहे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था पिछली गेंद लगी थी पैर पर हालांकि माजिद ने बल्ला भी दिखाया था अंपायर ने बाई घोषित किया दो रन भी बन सकते थे वहां पर लेकिन माजिद का ध्यान नहीं था तेतीस धावा स्कोर बोर्ड वरती आतापर्यंत चांगली गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते उजर मॉमिनच्या माध्यमातून विकेटनं फटका चांगला आहे इन्फिल्शन वरून तिथं डीप मध्ये फिल्डर या दरम्यान वैभव माली आहेत मदत चेंडू त्यांना बीट करून जाईल वॉन्ड रिलायन्सच्या बाहेर बावेश मात्र अल्या अला केली आहे अक्रमणाला सुरुवात सुंदर चौकार शॉर्ट वाइड एंड पनिश यही कहा जा सकता है इस गेंद के बारे में देखिए लगभग वाइड गेंद थी उस पर बल्ला फेंका लेकिन बहुत ही जबरदस्त संपर्क पंचों के बल उछलते हुए पंच किया है डीप एक्स्ट्रा कवर सी के बाहर चार रनों के लिए शानदार शुरुआत करते हुए अपनी पारी की भावेश चौधरी डेट एवर फेशियल सा फलंदाजे भावेश कीचा चांगला खेळाडू आहे अप्रतिम खे अडूवे चांगली फलंदाजी या सीझनला तो करतो आहे नक्कीचा बल त्याची चांगली बाटिंग देखील बाला मी दिया

रन बनाने का जो औसत है वो सात के थोड़ा सा ऊपर है सात दशमलव चार शून्य रन प्रति ओवर नाजुक स्थिति में थी एक समय टीम बीपीएल सीजन टू के चेयरपर्सन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो आदरणीय संजय लक्ष्मण मात्रे साहब लाइन ऑफ भिवंडी सर मान्य विष्णुजी पाटिल साहब आ प्रेम पाटिल दोनों पावन शुभागमन झालं त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे बरुडुश प्रतिम दरम्यान दोन्ही खेळाडू दोघांचं शुभागमन झालं त्यांचं मात्र हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून बी पी एल सीजन टू मध्ये तिला सर्वच पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत अंतिम छ गेंदे पारीमे शेष और इन छे गेंदों को मॅक्झिमाईज करने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को अभी तक का जो खेल हुआ है काफ़ी खुश रहेंगे मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान उजेर जिस तरह से उनकी गेंदबाज़ों ने गेंदबाजी की कामरान खान और वैभव माली ने शुरुआत की उसके बाद उज़ेर का ओवर जो था वो भी अच्छा रहा है खुद कप्तान ने भी केवल सात रन खर्च किए अपने ओवर में और अब आखिरी ओवर लेकर पंकज माली तैयार होते हुए उनका यह दूसरा ओवर पहले ओवर में हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए चौदह रन खर्च किए थे अंतिम षटक

फॉर्टी वन इकेचाळीसावा स्कोरबोर्डवरती माझी बोबड्यांना चांगली इनिंग आतापर्यंत छोटी सी गावनामध्ये एक चांगली इनिंग तो खेळ आहे कारण का संकटामध्ये दरम्यान संघ असताना एक चांगली इनिंग पन्नास ते पंचावन्न धावा एक चांगला आपण टार्गेट म्हणू शकतो अजय जर या मध्ये झाला तर पंकज पुढचा चेंडू चांगला चेंडू आहे शॉट देखील तेवढा चांगला मग तिथे आहेत वैभव मालीची चांगले फिल्डिंग पॉईंटमध्ये सिंगलच्या मदतीने संघाचे धावसंख्या संख्या फॉर्टी टू इन अ बोट यॉर्कर्स डालने की काबिलियत है पंकज माली में काफ़ी युवा है लेकिन बहुत अच्छे मैच्योर बॉलर की तरह डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं कल भी ये देखने को मिला था कल भी उन्होंने सटीक यॉर्कर्स डाले थे पिछले गेंद वाइड यॉर्कर थी और गैप में खेलना चाहते थे स्क्वेयर ड्राइव किया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए वहाँ पर माजिद बोबडे पंकज फील्डिंग दरम्यान बदल कर विकेट

फिटनेस राजेश विश्वास ने हाँ और जब आपके युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर आपकी टीम के आगे पहुंचने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है खासतौर पर गेंदबाजी में वैभव माणी और पंकज माणी नए बल्लेबाज अख्तर शेख आए है माजिद

दरम्यान खराब चेंडू आहे बीमार बीमार चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय अशा करत ना जास्तच तारीफ केली की काय गोलंदाजाची आणि हा खराब चेंडू अपील आणि जाऊया आपण जाऊया दरम्यान कंट्रोल रूम मध्ये तिसऱ्या अम्पायरच्या दरम्यान मदत घेतली जाते मग अंपायरचा इशारा नो बॉलचा आहे एक धाव तर मात्र धावून घेतली म्हणजे वन प्लस विकून या रनआउट केली आहे तिसरे अम्पायर की मदद ली गई आहे अभी देखना है कि थर्ड अंपायर का क्या निर्णय आता है दीपेश माली विकेट कीपर की भूमिका में और बैट्समैन आउट अख्तर शेख रन आउट होते हुए एक रन पूरा किया था दूसरे के लिए पलटना चाहते थे हालांकि नो बॉल है दो रन तो मिलेंगे यहां पर और अभी भी दो गेंदे शेष है विकेट गिरा आहे अख्तर रन आउट हुए है, आए हैं गिरने वाला ये कुल मिलाकर छठा विकेट इस पारी में स्कोर चव्वीस रन ना एक्स्ट्रा दावा आतापर्यंत अकरा एक्स्ट्रा दवा खर्च त्याच्यामध्ये बाईच्या देखील सहा दावा एक्स्ट्रा जास्त दवा आतापर्यंत खर्च त्या इनिंग मध्ये बघतो आपण राजस्थान रॉयल्स टीमच्या माध्यमातून हाँ बीमर देख ला शुंडू फ्रीट साइन संघा चौवे मिल अगली गेंद फ्री हिट नए बैट्समैन के पास स्ट्राइक है उसके पास मौका है कि एक लंबा हिट लगा सकते हैं लेकिन देखना है कि पंकज माळी अब कौन सी लेंथ पर गेंद करते हैं लगातार लेंथ को ब, बदल रहे है तो पंकज माळी चांगला शेंडू चांगला शेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि रन लेने का प्रयास हुआ था वहाँ पर गेंद सीधे विकेटकीपर के हाथों में चली गई थी ऑन फील्ड अंपायर्स ने कहा है कि ये आपका फेयर प्रयास नहीं है तो इस गेंद को डॉट घोषित किया गया है जी अब्दुल्ला पाहला मेहदी तो पंकजना पुनः एक कम बैक गए मैच में सुंदर गोलंदाजी या इनिंगचा शेवटचा चेंडू आहे आणि संघाची धाव संख्या चव्वेचाळीस ओवर द विकेट आरम्यानपर्यंत मात्र समोर खेळले तेवढ्याच मात्र वेगान तिथे फिल्डर देखील आलेत चांगले फिल्डिंग उचलून फिक करेपर्यंत दरम्यान फलंदाज रनआउट बाद होणार आहेत आणि एकूण एकच धाव या चेंडूवरती मिळेल एकूण सहा षटकांचा केसं संपला पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना या दरम्यान धावा मात्र बनवल्या गेल्या स्कोर बोर्डवरती एकूण धावा आहेत फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स टारगेट है राजेश मैच मे सामना जिंक टॉस घे टॉस बॉक्स मे सर बाबेसर धन्यवाद राहुल धन्यवाद आजय आइए दोस्तों बड़े मुकाबले का टॉस होने जा रहा है खेलने वाली टीमें बालाजी ग्लोबस और सोना देवी विहान मित कुमार सोना देवी विहान मित कुमार के कैप्टन आपको जुड़ जाना है ऑल द बेस्ट सूरज जोशी ऑल द बेस्ट अबीब पाटिल और मैच रेफरी अजीम अहमदुल्ले आपको जुड़ जाना है प्रेरणा गुप्ता को एनकर जुड़ चुकी है मैं माजी सरपंच भरोडी और मशहूर क्रिकेटर विष्णु पाटिल साहब और प्रेम पाटिल साहब दोनों से निवेदन करता हूं कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है टॉस के लिए माजी सरपंच भी भड़ोडी के बहुत मशहूर क्रिकेटर और बहुत बड़ा शोर था उनका प्रेम कौन बोल सकता है अजीम अम्दुल्ले सिक्का थमाते हुए सिक्के में एक तरफ बी सी फोर वो कमेटी 16 सत्रह में आई ऑर्गेनाइज का दुनिया हो या डिसिप्लिन की दुनिया सब में छा गई और एक तरफ वो लीग जो सुपर से ऊपर प्रीमियर लीग बीपीएल कहना है और यस अजीम अंदुल्ले कह रहे हैं कि टॉस को जीता है सोना देवी विहान मित कुमार ने बहुत धन्यवाद सर बहुत धन्यवाद प्रेम ग्रुप ए का आखिरी दिन काफी एंजॉयमेंट ये बताइए टॉस इम्पॉर्टेंट था जो अपने जीता है और जीता है तो क्या करेंगे हाँ सर टॉस बहुत इम्पोर्टेंट था हम लोग फील्डिंग करेंगे रीज़न बता सकते हैं अभी सर सामने वाली टीम अच्छी है उनका बैटिंग ऑर्डर अच्छा है तो हम लोग हमारे पास बॉलिंग अटैक अच्छा है तो हम लोग कम से कम रन तक रुकेंगे उनको और चेस करने का कोशिश करेंगे पूरा भिवंडी प्रीमियर लीग उठा के देखिए मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है तो क्या लगता है कि कौन से गेंदबाज है जिन पर अभी ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि अच्छी शुरुआत और और दे बाबू के इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कासिम बाबू से ज़्यादा अपेक्षा जी हाँ सर एक आखिरी सवाल सामने की टीम को तो पूरा आउट करना चाहेंगे लेकिन अभी तक आपने बहुत सारे मैचेस मैंने देखा है खेले हैं तो आपको कैसा लगता है कि आपने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है और आगे पिछले परफॉर्मेंसेस को लेके क्या स्ट्रेटजी है अभी तो मेरी पूरी टीम अच्छे से खेल रही है और मैं मेरे पूरी टीम को कहूँगा कि ये मैच भी अच्छे से खेले क्योंकि लीग स्टेज का लास्ट मैच है और सब लोग अभी जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई होएगा तो लास्ट मैच है अच्छे से हम लोग खेलने की कोशिश करेंगे और जीतने की भी कोशिश करेंगे क्वालिफिकेशन ये मैच आपका डिसाइड करेगा तो क्या प्रेशर में हैं आप प्रेशर तो नहीं है अभी मैच है मैच दोनों जो टीम अच्छी खेलेगी वो जीतेगी

सिद्धिक जी जरा एक सेकेंड आइए ना ये आपका ये जो स्टाइल है इतने सालों से जो आप ये कर रहे है ये मतलब कहाँ से सीखा आपने कोई इंस्पिरेशन है आपकी और आपका ये सभी चीजें अभी तक तो मैंने अपने खुद लाई है और सिद्दिक बाबे और एक ही है उनका स्टाइल ये अल्लाह रबुल आलमीन का गिफ्ट है सर लेकिन मैं आपको कॉपी करती हूं इसमें बैक टू क्रिकेट जो लक्ष्य है छियालीस रनों का क्या बोलिंग हुई थी जहां तक ताल्लुक है राजस्थान रॉयल का राजस्थान रॉयल महबूब गौरी और इम्तियाज है खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अख्तर शेख पहली गेंद धीरे से गेंद को पुश किया ऑफ साइड में कामरान ने मिड ऑफ पे एक रन से खाता खुलता हुआ कामरान खान का देखिए राहुल मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कभी कभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या लोकल क्रिकेट हो हमने देखा है कि ये जो टोटल रहता है ये थोड़ा घातक रहता है गेंदबाजी करें अख्तर शेख सामना करेंगे अल्ताफ शेख शेख टू शेख खतरों के खिलाड़ी इस मरतबा उछाल दिया है इनको लॉन्ग ऑफ बाउंड्री में 6 रन कड़क शॉट लग जाएगा सर नगीसे ही सलामी होती बाली सरांसाठी खास करून कारण का सर भरभर इथेज आहेत आणि बरोबर हा षटकार आपला कमेंट्री बॉक्स मध्ये आपला बाला भेटला सुपर शॉट सैंड एंड डिलीवर बीपीएल सिक्सर कमाल का शॉट तीर की मानी निकल गया आगे रख दिया था वहां पर बिल्कुल बैट्समैन के ब्रेड पे मक्खन लगा के दिया था इस मतबा अच्छी वापसी लूज बॉटम एंड पुश, चुरा लिया है तुमने जो रन को नहीं दिल को नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को देखिए आप गेंद को आगे रखते मानो ऐसा है कि बैट्समैन के ब्रेड पे आप मक्खन लगा के देते शेर के सामने मांस रखते होना ही चाहिए शेर को घास दो घोड़े को मांस दो दोनों मर जाएंगे अब धूप खिली हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, बादल छट चुके हैं इस गेंद को आने दिया था धीरे से गेंद को टैप कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट पे एक रन दरम चांगली सौ शब्द षटकरा सिंगल डबल न साक रोटेट के लिए टार्गेट एवड मोट नहीं है अनुष्क राजस्थान रॉयल्स टीम शब्द रननीति सा मैदान चला क्रिकेट अख्तर शेख सामना करेंगे अल्ताफ शेख खतरों के खिलाड़ी ये ये आउट हो गए और इस ग्राउंड पे आप इतिहास उठा के देखिए 80 मरतबा ये शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए और 20 मरतबा कामयाब हुए खराब शॉट सिलेक्शन अपने तो रिवर्स करना होता चांगला चेंडू देखिए अपने सुरेख सुरेख गोलंदाजी सुप्प गोलंदाजी अكترच्या माध्यमातून टीवी स्क्रीनवर देखील तुम्हाला ऍक्शन रिप्ले पाहला मिळेल की yes, असा सीधा रखा डाक्टरनी देखते हुए के स्विच हिट करना चाहते कमाल की बॉलिंग अख्तर शेख की पहला विकेट देखिए इस तरह का जो टोटल रहता है राहुल आपको 46 रन चाहिए टेलीकास्ट क्या है चैनल नाइन की बड़ा बड़ी करता हुआ प्रिंस मूवीज द किंग ऑफ टेलीकास्ट देखिए आपको इस तरह के टोटल को जब डिफेंड करना होता है तो रेगुलर इंटरवल में बिकते लेना होती है ये घातक टोटल भी है बैट्समैन सोचता है शॉट के लिए जाऊं, सिंगल डबल के लिए जाऊं और मैच फंस जाता है और माजिद बोबड़े वैसे भी एक ऐसे कैप्टन है जो मैदान में भी खेलते हैं और दिमाग में भी चलते हैं ना डेफिनेटली आता माता तो धोखा सा वापस लगे

भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न टू में गज़ब के फॉर्म में आज अब मौसम बेहतर होता हुआ धूप अब निकल चुकी है भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न टू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बी सी फोर पूरी कमेटी उनके चेयरपर्सन अल्ताफ बाली सर बी के चेयरमैन लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे और साथ ही साथ पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानब से मुकाबला चलता हुआ एफ एस फैसल शेख ऑनर टीम और राजस्थान रॉयल महबूब गौरी और इम्तियाज़ पापा ओनर टीम ये आप देख सकते हैं बैनर भिवंडी प्रीमियर लीग का उनके चेयरपर्सन लॉइन ऑफ भिवंडी श्री संजय लक्ष्मण मात्रे ये वो अठारह टीमें हैं राहुल जिन्होंने बी सी फोर अल्ताफ बाली पर भरोसा किया हंड्रेड परसेंट पाया भी है लेकिन इन अठारह लोगों का हम विशेष धन्यवाद करेंगे क्योंकि ये हीरे हैं जिन्होंने एक हार निकलेस की शक्ल दिए बी सीजन टू को ये हमारे स्पॉन्सर थैंक्स टू 7070 सेवेंटी तारीफ सैयद फुलटॉस असगर अली साहब एवन चिकन अतिक भाई आ, एक्रेलिक आर्ट टू आतिक पल्ल साहब ओटू लाइफ लाइव पानी शाहिद पापा और धनेश स्पोर्ट पांडुरंग धर्मा पाटिल साथ ही साथ शुमाइल सुसे आ, मुंबई तड़का एहसास दिलाए घर का चाय के लिए उनका विशेष धन्यवाद साथ ही साथ लापास बुटिक का धन्यवाद ड्रीम केक का धन्यवाद हम कहेंगे और साथ ही साथ रियल स्टील का धन्यवाद वसीम अंसारी बैक टू क्रिकेट मरता क्या ना करता जैन खान को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से कल कुनाल मात्रे ने 36 रन बनाए थे और बहुत बढ़िया कोशिश की थी मैन फ्रॉम अंजोर फील्ड की जमावट शॉर्ट थरमेन डीपीश गली शॉर्ट फाइन लेक वाइडिश मेडॉन स्ट्रेटिश मेड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर घेरे में फिर से चुके हैं दूसरी मरतबा डेड बॉल लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन थोड़ा स्ट्रेटिश रखा गया है दीपक मडवी हार्ट ऑफ भिवंडी मिड विकेट पे स्वयं कैप्टन माजिद बोबड़े हैं और डीप कवर में एक खिलाड़ी केतन है कवर पॉइंट पे ये तीन खिलाड़ी आउटफील्ड के तो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी जहैन सुई की कोशिश और ये देखिए फारूक बर्डी का अंदाज हरीश पंड्या कहते हैं कि माइकल जैक्सन स्टेप मेरा मानना है कि इंग्लैंड की खूबसूरत चौड़ाए पे मानो जब वो रुक जाते हैं डे कर तो कोई ऐसा स्टैचू जो कैप पनामा कैप के साथ नजर आए राइट आम ओवर द विकेट फुल टॉस गेन स्लाइस किया गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर चार रन घी का लड्डू दे बैठे हैं वहां पर गेंदबाज खराब <laughs> खराब चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो फुल टॉस होता आणि खूप चांगला फटका देखील स्लीपर कव्हरच्या दिशेनं कुणाल माध्यमातून चांगला फटका मिळतो त्याने चांगली बॅटिंग केली आहे या दरम्यान बीपीएल सीझन टू मध्ये आणि या देखील चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते शॉर्ट कोमिथ की यात ताजा होती उछलते कुत्ते चांगला शॉट पाहायला मिळतो आपल्याला चेंडू देखील खराब होता आणि हा पण दरम्यान खूप चांगला फिनिश देखील केला स्लाइस करत असताना एक चांगला शॉट फलंदाज के पंद्रह रन एक विकेट लक्ष्य है छियालीस रनों का मजिदे विकटू की तलाश में है लेकिन अब तक जैन जो युवा गेंदबाज है इतने सफल नहीं है इस इसमार्त इम्प्रूव तरीके से हुक कर दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर चार रन चांगली बैटिंग सुंदर बैटिंग मैदान आश मधे अर्थ मैं न कुल माध्री ऐसी लागोपट आ दूसरा चौकार आला विकेट आलागे दरमान करता न लॉन्ग लेग फिल्डर उपस्थित नौते फायदा मात्र कुनाल मात्र मित अजुन चार धावा बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्ग बी शफल जिसे कहते हैं बिल्कुल गेंद के लाइन के अंदर आए और खेल दिया गेंद को वैकेंट एरिया लॉन्ग लेग पे देखिए चारों एंगल से दिखाया जा रहा है टेलीकास्ट किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए जैन इस मर्तबा पंच करना चाहता गेंद के उछाल को काउंट नहीं कर पाए सिर्फ मैनेज खेला वहां पर कवच में हममत के पास एक रन 20 रन एक विकेट सांगली बाटिंग मैदानात मध्ये कुणाल मादरे करतो अदरमन कुणालला चार चेंडू मध्ये आतापर्यंत 10 धावा बनवल्यात चांगली बैटिंग संघाच संख्या वीस पर दिया अगला मुकाबला बालाजी ग्लोबस और सोना देवी कुमार उसके बाद एफ एस एंटरप्राइजेस गावदेवी थ्री स्टार और आखिर में ग्रुप ए का आखिरी मैच अगड़ी राजा पोगांव और राजस्थान रॉयल फिर से मैं बताता हूँ कि रन रेट का लेना देना नहीं होगा मैच जब पूरे समाप्त होंगे बी सी फोर के चेयरपर्सन और बी सी फोर से कॉन्टेक्ट करना है आपको उसी वक्त ऊपर लगी आहे बढिया कॅच उमर खान का इस तरह के कैचेस इतने आसान भी नहीं रहते हैं। जब आसमान में गेंद खड़ी हो दरम्यान चांगला झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय उमर खान झेलच्या खाली आणि खामराल आता मात्र बरतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर हा पहिला धक्का लागत असताना मैदानाच्या राजस्थान रॉयल्स टीमला आणि विकेटची गरज देखील होती सिद्धीजी नकी सराने सांगितलं की विकेट येणं गरजेचं आहे आणि ती पहिली विकेट आता मात्र येत असताना देखिए आई कौन कामरान खान फ्लॉप रहे दो रन बनाकर डग आउट लौटते हुए लेकिन गेम प्लान को चेंज कर दिया है लाइन ऑफ मानकोली दीपेश माली बल्लेबाजी को कल जो गलती की थी वह आज दौड़ाना नहीं चाह रही यहाँ पर राजस्थान रॉयल और दीपेश माली के इस ग्राउंड पे कई अच्छे मेमोरीज हैं और दीपेश माली के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो दीपेश माली है ना ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं देखना है कि सरदर्द वैसे भी माजिद बोबड़े के लिए ये है कि एफ ने रन कम बनाए जैन विकेट बहुत बड़ा चटका चुके हैं कामरान खान सस्ते में आउट होकर चले गए जैन खान राइट आर्म राउंडी स्टाम्स दीपेश को बल्ले के फेस को खोला गाइड किया गया इनको बढ़िया मात्रे फील्डिंग वहां पर कुनाल मात्रे ने इस शॉट को खेला था गेंद को आने दिया था स्टीयर किया गली की तरफ एक रन 21 रन दो विकेट जब कैच लिया गया था तो बैट्समैन ने एक दूसरे को क्रॉस किया था यस yes. कुणाल मात्रे 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सामना कर रहे हैं दीपेश माली

कोटा खत्म हो चुका है दो ओवर की समाप्ति के बाद इक्कीस रन बने दो विकटे गिरी यहाँ से चार ओवर में पच्चीस रन चाहिए जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग काफी नीचे गिर चुका है मौसम लगातार बदलता हुआ और वाकई में कहा जाएंगा कि जिस तरह यूनाइटेड किंगडम में मौसम रहता है आ, मॉन्चेस्टर लूम की नगरी कहा जाता है भिवडी को भी भारत का मॉन्चेस्टर या महाराष्ट्र का मॉन्चेस्टर कहा जाता है उसी तरह का मौसम इस वक्त हम देख रहे हैं जीत और हार होती रहती है इंसान ने हमेशा करना ही चाहिए कि लड़ते रहना चाहिए यही कारण है कि माजिद भोपड़े ने इस वक्त अख्तर शेख को कंटिन्यू रखा है

एक सिंगल रिस्की सिंगल देखिए सामने वाला क्यों जीत रहा है या अपनी क्या कमजोरी है इस पर बहुत ध्यान देना होता है लेकिन जूझती स्विंग एंड मिस, बहुत खूबसूरत गेंद। दिए से जलाकर जमीन रोशन कर दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होता और सबब तलाश करो अपनी हार जाने का किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होता अख्तर शेख इस मरतबा ट्राइव करते हुए एक रन लॉन्ग ऑन पे अच्छी फील्डिंग दूसरे के लिए पलटना चाहते थे एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ तेईस पे पहुंचा है ट्वेंटी थ्री तेवीस रन स्कोर बोर्ड वर्त अन विजयी सिक्स टारगेट है

स्कोर इस वक्त 24 रन 22 रन और चाहिए यहां से गति परिवर्तन किस्मत वाले रहे कि टोपी स्टंप पे नहीं गिरी वरना हिट विकेट आउट हो सकते थे कई कई ऐसे उदाहरण है टेस्ट क्रिकेट में इवन हेलमेट निकलकर भी आ, स्टंप पे गिर चुका है अख्तर शेख कंडीशन का अच्छा लाभ उठा रहे हैं और खास कंडीशन है बादल छाए हुए हैं धीमी गेंद फिर पैर नहीं चले थे क्रिस बॉक्स से खेले थे जहां पर मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है क्रिकेट में फुटवर्क ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ तीन ओवर की समाप्ति रन बने 24 विक्टी गिरी है दो तीन ओवर बचे रन चाहिए 22 लेकिन सराहना करनी होगी एफ एस की कि एक छोटे टोटल पे अभी भी फाइट बैक कर ये मैच समरी आपके सामने माजिद बोबड़े टीम के कप्तान चौदह गेंदों में सत्रह रन नट आउट केतन पाटिल बारह गेंदों में सोलह रन भावेश चौधरी तीन गेंदों में चार उसामा दो गेंद में एक गेंदबाजी का जो बॉलिंग एनालिस था कामरान खान दो ओवर सात रन एक विकेट उजैर मोमिन एक ओवर चार रन एक विकेट वैभव माली एक ओवर आठ रन एक विकेट पंकज माली दो ओवर बाईस रन एक विकेट दूसरी इनिंग में तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुणाल मात्रे सात गेंदों में तेरह पे बल्लेबाजी कर रहे है। हैं अल्ताफ शेख ने तीन गेंदे सात रन बनाए कामरान खान ने तीन गेंदों में दो रन बनाए दीपेश माली ने पांच गेंदों का सामना किया है एक रन बनाया अख्तर शेख का बॉलिंग एनालिसिस दो ओवर तेरह रन एक विकेट एक्सिलेंट बॉलिंग क्या बॉलिंग की है और जैन खान थोड़े महंगे साबित हुए एक ओवर ग्यारह रन और एक विकेट वंडरफुल टेलीकास्ट विथ ऑल समरी एंड स्टैटिक्स अठारह गेंदे बास रन एक चाबी हमें मिली है नया गाड़ी है बर्कमैन बर्क लेकिन उसका नंबर प्लेट नहीं चाबी की आइडेंटिटी बताकर आप ले जा सकते हैं 18 चिनडो ओझोनिशल लगेत विजयासाठी 22 हावेचे गरज आहे मार्च मध्ये मार्च आपल्याला भरपूर चांगली पाहला ميدम एफसी सेंटर बाजसना अजूनही सामना सोडला नाही राजस्थान रॉयल्स देखील या मार्च मध्ये मोठा संघर्ष दिया आणि चांगली मॅच आदरम्यान आपल्याला साहेबन पाहायला मेल मैदानच्या हाथमध्ये अठरा चुन टू बावीस आहे आणि क्लाइमेट आपण बघतो ढगाळ वातावरण आहे त्या अनुसंगना इथं जर चांगली गोलंदाजी झाली तर सिद्दीक जी आपल्याला मॅच अंतिम षटकापर्यंत कदाचित पाहिला yes, मेरा अपना मानना है की मैच अभी भी बना हुआ है क्योंकि इस तरह की कंडीशन में शॉर्ट्स खेलना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि गेंदे कही ना कही काटा बदलती है गेंदे कही ना कही रुक कर आती है ज़ैन खान को कंटिन्यू रखा गया है माजिद बोबड़े की भी प्लानिंग कुछ अलग ही लग रही है जैन के साथ चौथे ओवर में अठरा चेंडू शिल्लक विजयासाठी बावीस जावेची गरज आहे जैनकांचा हा षटक खूप महत्वाचा असणार आहे टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॅच अठरा चेंडू बावीस ची गरज आहे या षट्यामध्ये पुन्हा एकदा मात्र चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करेल कुणाला चांगली बॅटिंग केली या सीझन मध्ये आणि बघतो आप आपण बीपीएल मध्ये दे देखील म्हणजे सात चेंडू त्यांनी आतापर्यंत केले तेरा जावे त्यांनी बनवल्यात दीपेश माळी संघर्ष करून त्यांनी पाच बॉलमध्ये एकच रन बनवले समय मे पहिली वॉर्निंग दिली जाय देखिये लेकिन एक सराहना करनी होगी एफ ने मैच नहीं छोड़ा माजिद बोबड़े तो किलर स्टिक है लेकिन पूरी टीम इस वक्त लड़ती भी यहां पर प्लीज राउंड विकेट ना अदरमान पूल केल्या हा फटका हा आपण बोल जा एवढी चांगली फिल्डिंग देखील आपल्याला पाहायला मिळते काहू कोणतं रिशेनमध्ये एक दहावीतना मिळते सिंगलच्या मदतीनं संघाच्या धावसंख्येकनं पुढं जाते धावसंख्येक आपल्याला पाहायला मिळते पंचवीसवरती सतरा चेंडू अजूनही शिरले की विजयासाठी एकवीस दहावीसची गरज आहे या मॅचमध्ये चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते सेंट्रल रॉयल्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स अशी ही एक चांगली मॅच आजच्या दिवसातील दुसरी मॅच मैदानाच्या आतमध्ये बी पी एल सीजन साने की जगाल साल है, हा सीजन 2 चा नाकी सगाल झाला अच्छा सलगचा बघतो आपण हा तिसरा दिवस आहे आणि एक अप्रतिम मॅच मैदानाच्या आतमध्ये मध्ये राउंड विकेट ना दिपेश माईचा मात्र मोठा संघर्ष दोन्ही कीडो विकासेंद्रा रन आउटची विकेट येईल का यस आली या कॉलिंग आपल्याला पाह मिळत नाहीये कुणाल मातीला परतवायला लागल मैदानाच्या बाहेर आणि मैच मध्ये आता मात्र पुन्हा एकदा झाली आहे वापसी चांगली गोलंदाजी जैन गांच्या माध्यमातून यस कहानी में ट्विस्ट आता हुआ क्या बोलिंग हो रही है ये देखिए दूर से फिर से खेले थे दीपेश माली ने अब तक कितनी डॉट गेंदे है पांच डॉट गेंदे और कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई करनी किसकी भरनी किसकी डग में लौटते हुए आ, कुनाल मात्रे अच्छे टच में भी थे और आउट होने से पहले कितने रन बनाए चौदह रन बनाए देखिए जैसे बैट्समैन रन आउट हो गए महबूब गौरी की जो धड़कन है वो बढ़ गई है अमल पटी शुभागमन आप आपका देखिए हार्दिक स्वागत है जाऊन चली मैच आप सोवा चेंडू एक गरज है चांगला चेंडू भरपूर संघर्ष मात्र मे आता पर्यत दीपेश माइ ने के गोलंदाजी के लिए नायका ने विश्वासार्थ कर आत ना मैदान क्या घूम रही है कंडीशन का बहुत अच्छा लाभ उठाया जा रहा है देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे मैचेस है वो रिकॉर्ड भी मैं आपको बताऊंगा जो अंडर फोर्टी खेले गए लेकिन कट टू कट रहे जबरदस्त तो मैच अपना पहला मिया प्रतिमा सामना जैन खान राऊंड अपिल पाहायला मिळते अपिलामध्ये उत्साह भरपूर होता मात्र आत्मविश्वास आपल्याला कमी पाहायला भेटली तोपर्यंत एक दहावीतनं लेग बायच्या माध्यमातून मिळत्या सिंगल धावसंख्या एक न जाते पुढे दावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळत्या दरम्यान ट्वेंटी सिक्स सव्वीस वरती आपल्याला धाव पलक पहायला मिळतोय आणि मॅच अजूनही आपल्याला बॅलेन्स या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते दोन टीम मध्ये मोठा संघर्ष आहे ये फर्स्ट टाइम है इस ग्राउंड पे कि दीपेश माली ने सात डॉट गेंदे के लिए आठ गेंदों में एक रन बनाया है दीपेश माली का इतना खराब परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे आज तक मैंने नहीं देखा सौदा चेंडू के विजय दावी गरज है मैच मध्य राउंड गति कमी के लिए पुल फटका अतिश घोड़बिंदी बात बदल जबरदस्त शॉट अफ भला बहा संघर्ष करता दसरा मात्र ठोकला है संघर्षमय बीपीएल शटकार आतिश गोडविंदे बेस्ट पुलर बेस्ट हुकर के नाम से जाने जाते हैं ये देखिए गेंद को टर्न होने दिया इंतजार किया और हुक किया गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर रन क्लासिकल शॉट सुपर शॉट एक्शन रिप्ले बहलामी दो हा दमदार शॉट बेहतरीन बेहतरीन हुक शॉट था पुढचा चेंडू आता मैं समोर शेषन प्लेसमेंट सुंदर है चिंडू मात्र डीप मे स्लीपर कवर लगे चांगली फिल्डिंग देता दे दे पहाला मीडियम चेंडू शिवस फेक करे पर संघाश धाव संख्या दरमान डबल थ्री इन बोट चार ओवर की समाप्ति के बाद तैतीस रन गवाई है दौड में कितने रन चाहिए चारा तेरा। तेरा। गेंदे तेरा रन मॅच अभि बी स्थिती मे बारा चिंडो आणि विजयासाठी अजूनही तेरा दहावीची गरज आहे मॅच मध्ये सामना बघतो आपण अजूनही बॅलेन्स आहे चांगली मॅच आपल्याला पाहायला पुन्हा एकदा नक्कीच अंपार तुम्हाला सांगतायत की तुम्ही जास्त वेळ घर करता मैदानाच्या अपेक्षा टीमच्या कॅप्टन ला विनंती आहे क्या अपन लवकरात लवकर फील्डिंग लावून घ्यावी जास्त वे घेऊ नका प्लीज यस देखिए पहला मैच भी बहुत कट्टू कट रहा था और लग रहा है कि मैच भी कट्टू कट जाएगा पहला मैच हाई स्कोरिंग था ये लो स्कोरिंग है ये बीपीएल है ये भिवंडी प्रीमियर लीग है यहाँ पे तमाम रति महारथी अपने खेल को आजमा रहे खेल की शुरुआत होती भी दीपक मंडवी इस सीजन के बहुत ही सफल गेंदबाज हार्ट ऑफ भिवंडी क्रिकेट दीपक मंडवी को बुलाया गया है सामना करेंगे बैट्समैन आतिश गोडविंदे दो गेंदों में सात रन आठ गेंदों में एक रन दीपेश माली सरदर्द वाले बैट्समैन टीम के लिए सरदर्द बने हुए हमेशा अपोजिशन के लिए सरदर्द बनते थे आज अपनी टीम के लिए बन गए हैं दीपक मडवी समय में कॉपरेट करें माजिद बोबड़े प्लीज लेफ्ट आर्म राउंड ईस्ट इस, इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई अच्छी लंबाई की गेंद ये ग्राउंड भी आतिश गोडविंदे के लिए कुछ ना कुछ गुल खिलाता है उनके लगता पड़ता ही चाहे फिर बाली ट्रॉफी 2019 हो आ, फर्स्ट एड की सुविधा दी जा रही है मैं आपको आज के मैचेस की रूपरेखा बताता चलूं अभी भी 11 गेंदे 13 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए महबूब गौरी और इम्तियाज पापा फैम टीम राजस्थान रॉयल को अगला मुकाबला बालाजी ग्लोबस और सोना देवी वियान मित कुमार टॉस को जीता है सोना देवी वियन मित कुमार ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है उसके बाद एफएस एस और गावदेवी थ्री स्टार आखिर में ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला अगड़ी राजा पोगाव और राजस्थान रॉयल कल से ग्रुप बी के मैचेस रहेंगे तमाम टीम के ओनर्स और कैप्टन को फिर से मैं ये इतला देता चलूँ कि आज का शेड्यूल समाप्त होने के बाद बी सी फोर और उनके चेयरपर्सन अलताफ बाली से आपको यहीं पे मिलना है उसी वक्त साफ हो जाएगा पॉइंट्स की टेबल की पोजीशन क्या है रन रेट माने नहीं रखता है अकरा चेंडू शिल्लक घेत विजयासाठी तेरा धावेची गरज आहे या मॅचमध्ये मध्ये अतिश घोडविंदीच्या बाटमधून ऑलरेडी एक षटकार आलाय दीपक माटवी इस मरतबा बॉलर बॅक ड्राइव किया है बहुत ही करारा शॉट है लेकिन लॉन्ग ऑन थोड़ा स्ट्रेटिश करा था एक रन बनता हुआ चांगला शॉट संगला शॉट दरमियान अपना पहाला मैं तो मैदान आश्रद मध्य सिंगल छा मददी न संघा स्कोर संख्या चौथी यस बहुत कुछ डिपेंड करता है दीपक मडवी पे के बच्ची भी गेंदों पर वो क्या करते हैं हालांकि सीजन में विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं दस गेंदों में यहाँ से कितने रन चाहिए दस बारह का इक्वेशन दीपक मडवी इस मरतबा फिर से कट के जा अंदर की जानी भाई हालांकि पूरी एतम के साथ नहीं खेला लेकिन दो रन आखिरकार गिरते पड़ते ही लिए आज काफी स्ट्रगल कर रहे हैं हालांकि जिस इनके बारे में तो ऐसा है कि तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं लेकिन अब तक नौ गेंदों में सिर्फ तीन रन बनाए दीपेश माली ने ना भरपूर मोटा संघर्ष गए या मैच मे दीपेश माई या जो अनुषंगा ओ हो, हो हो बहुत दूर दे मारा है। ठोक डाला और गेंद तारा मंडल में छे रन सारा गुस्सा उतार दिया उस गेंद पर हालांकि कल तेरह गेंदों में बत्तीस बनाए थे और अब जाकर दस गेंदों में नौ बनाते हुए सांगला शॉट आपला पाहला मी तो सुप प ब बाला वाला बघला भरपूर 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 दूर लांब पल्ल्याचा हा षटकार थॉउंडिंग सिक्स देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा था हालांकि गेंद पूरी तरह उनके बल्ले के नीचे नहीं थी लेकिन तान दिया आसमान में फलक बोस सिक्सर इस مرتبہ अच्छी वापसी गेंद नीचे भी रही थी देखिए अजीब बैट्समैन है एंड्रॉय कोऑर्डिनेशन इनका बहुत अच्छा है बहुत कम वो फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं ग्यारह गेंदों में दस पे खेल रहे हैं एक और आसमानी टोला और मैच को फिनिश कर दिया है सिक्सर के साथ कॉन्ग्रेचुलेसन राजस्थान रॉयल महबूब गौरी एंड इम्तियाज़ पापा एंड द कैप्टन उजैर मोमिन हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक एफ एस एंटरप्राइज फैसल शेख साहब और मजिद बोबड़े तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त मेरे साथ ज्योति भी और आवाज की मले का प्रेरणा गुप्ता और एक बार वापस से बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का हमारे सारे दर्शकों का टू भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन टू और क्या सुहाना मौसम हो रखा है सिद्दिक जी बहुत मज़ा आ रहा है देख के मुझे मैं देख रही हूँ धूप नहीं है ज़्यादा हल्की हल्की सी ठंडी भी हो रही है बहुत सुंदर हवाएं चल रही हैं यस yes, आइडियल uh, क्रिकेट कंडीशन जिसे क्रिकेट में कहा जाता है बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल मौसम देख रहे हैं हमारे इस, हमारे uh, विष्णु पाटिल साहब अमोल पाटिल की ऑफ कामतगढ़ प्रेम पाटिल और शहबाज भाई ये चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है हमारे प्रेजेंटेशन में अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन शहबाज शेख माजी सरपंच भरोडी और मशहूर क्रिकेटर विष्णु पाटिल प्रेम पाटिल हार्ड हिटिंग बैट्समैन और अमोल पाटिल की ऑफ कामतगढ़ कामतगढ़ की चाबी कमरान खान आपको आगे न दो और सात रन और तालियां क्या बात है वेरी वेरी इकोनॉमिकल बॉलिंग द गाय प्लेड आईपीएल ऑल्सो आइए सबसे पहले हम गिफ्ट टाइम पर दे रहे हैं और वो देने जा रहे हैं की ऑफ कामतर अमोल पाटिल वेल्डन कमरान अब वो केक जो आपके खाबों का होममेड केक हम देने जा रहे हैं प्रेम पाटिल के हाथों से केक की के आपको जरूरत हो तो होममेड केक केक के पास जरूर जाइएगा मेरी गुजारिश है मेरे साथ शेयर किया जाए यस yes. मुझे अभी तक एक नहीं मिला देखिए लापास बुटीक पर्सनालिटी में चार चांद लगाना हो तो लापास बुटीक और साथ ही साथ अनी अंसारी वसीम अंसारी रियल स्टील ये शर्ट दे रहे हैं अंजुमन के कैप्टन शहबाज शेख आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शोभा बढ़ाएंगी माजी सरपंच है मशहूर क्रिकेटर हैं विष्णु पाटिल के हाथ से एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई का ये आर्ट बीपीएल ट्रॉफी सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आपका बहुत धन्यवाद आपको मंच की शोभा बढ़ाना है कमरान कमरान कम फॉरवर्ड प्लीज कमरान कमरान फर्स्ट टू ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन यू प्लेड आईपीएल एंड जस्ट नाउ प्लेइंग इन बीपीएल हाउ डू यू फील हियर about the अरेजमेंट about the अट्रैक्शन अबाउट दी पीच एंड अबाउट organize. yeah, बहुत ज़बरदस्त organize है ये और stadium को आप लोगों ने जिस तरीके से सजाया है बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे tennis cricket में बोल सकते हैं कि ये बहुत ही best है actually और मैं bhimandi में, में आ, मेरा favorite ground भी है ये और काफ़ी पहले मैं टेनिस से ये यहाँ पे आया था मैच खेलने के लिए तो इसलिए यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है हालांकि मैं पूरा एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ इसलिए तो इस कि अच्छा कैसा लग रहा है हाँ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है और इन नेक्स्ट मैच भी हम लोग एफर्ट लगाएंगे और जीतेंगे मैच के बारे में तो सिद्दीक जी सवाल पूछते ही हैं तो मैं आपसे कुछ अलग सवाल पूछना चाहूंगी एक क्रिकेटर जैसे मैं देखती हूँ एक इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर जो है पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी है आपकी ये जो आप बीनी पहन के आते हैं सर में और आपका एक अलग ही स्टाइल है क्या करते हैं आप एक्चुअली ये मेरा पर्सनल मैं ऐसे ही रहता हूँ थोड़ा सा अलग लुक है मेरा और मुझे अच्छा लगता है ऐसे क्रिकेटर ऑलमोस्ट ऐसे ही लुक में रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है उस चीज़ को बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है क्या कहना चाहेंगे कैसा लग रहा है खेल के इस मौसम में बहुत ही जबरदस्त वेदर है एक्चुअली अच्छा लग रहा है और भिमंडी में स्पेशली का जो टूर्नामेंट है मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज पे आ, जो मैनेजमेंट रहता है बहुत ही अच्छा रहता है एकदम प्रोफेशनल तरीके से रहता है तो इसलिए यहाँ पे मजा आता है खेलने के लिए थैंक यू ये थे कामरान खान तो दोस्तों चलते बॉक्स में अजय के पास बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी और प्रेरणा गुप्ता खेल की शुरुआत हो चुकी है आज का तीसरा मुकाबला पहले दिन है सूरज किने के और केतन मात्री ये दो सलामी बल्लेबाज ये मुकाबला है सोना देवी विहान मित कुमार टेमघर और बालाजी ग्लोबस के बीच में बालाजी ग्लोबस पहले बैटिंग करते हुए ड्राइव किया गया नवा में वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं और ये रही बहुत बड़ी सफलता सदस्य हमारे भाई और जिन्हें सत्कार सम्राट भी कहा जाता है नाइम शेख साहब जुड़ चुके हैं आपका इस्तकबाल है और उसुद्दीन साहब भी जुड़ चुके हैं आपका भी इस्तकबाल है वेलकम बोथ बहुत अच्छा कैच कासिम बाबू द्वारा एक जाल बिछाया गया था वहां पर उसमें फंस गए हैं सूरज के ने इनफॉर्म बल्लेबाज सौ से अधिक रन बनाए हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह अंतिम ग्रुप मैच है तीन तीन मैचेस जीते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है दोनों भी टीमों ने लेकिन ये मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीमों की कौन टेम के दृष्टिकोण से सोना देवी बिहान अमित कुमार टेमगढ़ टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और बहुत अच्छी शुरुआत वाइड हाफ वाली जान की गई थी क्योंकि सूरज के ने डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़े बड़े प्रहार करना पसंद करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रथमेश ने ये रणनीति बनाई थी ये रणनीति बनाई गई थी कप्तान द्वारा सोना देवी बिहान अमित कुमार की ओर से और उसमें कामयाब हुए हैं अजय आपका कहना है कि जाल बिछालता फंस गए सूरज के ने और वो बैट्समैन जो रनों का अंबार लगा रहा है बड़ी विकेट एक और बैट्समैन जिन्होंने रनों का अंबार लगाया है स्ट्राइक पर केतन रन व्हाट अ प्लेयर इज अ प्लेयर इज दैट द फिनिशिंग ऑफ शॉट प्लेयर पिक्स ऑन हाफ वॉली एंड लॉफ दैट बॉल स्ट्रेट बैट